फ्री फायर बैन इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फ्री फायर इंडिया में बैन होने वाला है। क्यों होने वाला है, आइए जानते हैं। ओडिशा के केंद्र डिस्ट्रिक्ट में एक घटना घटी थी जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था। क्या था वो कि अमिताभ सापट नाम का 14 साल का एक लड़का जो 8वीं क्लास में पढ़ता था, वो सुसाइड कर लिया बाथरूम में। सुसाइड करने का वजह क्या था कि उसने फ्री फायर गेम्स में करीब 1,00,000 रुपये स्पेंड कर लिया था। अपने पापा का अकाउंट से उसने 61,000 और मम्मी का अकाउंट से 35,000 रुपये फ्री फायर गेम्स में स्पेंड कर लिया था। जब पापा बैंक गए और वहां पता चला कि उनका अकाउंट से कोई ऑनलाइन गेम में पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो उन्होंने घर वापस आकर गुस्से में अपने बेटे को फटकार लगाई। उसके अगले ही दिन अपने बेटे अमिताभ से आपट ने सुसाइड कर ली बाथरूम। तो यहाँ पे सवाल आता है, क्या ये जो ऑनलाइन गेम्स है, ये जो फ्री फायर गेम्स है, वो अपने जीवन से भी कीमती है, अपनी जिंदगी से भी कीमती है? पर आज का डेट में हर एक बच्चा के पास स्मार्टफोन होगा। स्मार्टफोन क्यों है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो पापा मम्मी अपना बेटे बेटी को स्मार्टफोन दे रहे हैं ताकि वो क्लास कर सके, अच्छा से पढ़ाई कर सके। परंतु यहाँ बेटा रात का 3-4 बजे तक फोन में फ्री फायर खेलता रहता है। यह एक टाइप का एडिक्शन हो गया है। पढ़ाई में कम और फ्री फायर खेलने में ज़्यादा खुशी मिलती है। फ्री फायर एक ऐसा गेम बन गया है, अगर दिन में एक बार भी नहीं खेलो ना तो सांस से अटकने लगता है। वो है आज का एक स्टूडेंट का लाइफ, कोई आउटडोर गेम्स खेलने नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम दिख रहा है। अगर इस तरह से चलता रहेगा, आज का जनरेशन फ्यूचर में क्या करेगा, हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा? मैं कहता हूँ खेलो, हाँ फ्री फायर एक गेम है तो खेलो, खेलना चाहिए, पर इतना भी नहीं खेलो कि इसकी वजह से किसी को सुसाइड करना पड़े, इसकी वजह से अपना जिंदगी में कोई फर्क पड़े। मेहनत का पैसा इसमें चला जाए और अपने पापा मम्मी के बारे में सोचो, वो लोग तुम्हारे फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि मेरा बेटा वो करेगा ये करेगा, और तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उनका सपना पूरा कर सकते हो, क्या तुम उनके ही औलाद हो? ये सवाल आज तुम खुद से पूछो, क्या तुम उनके ही औलाद हो? अगर हो तो दिखा दो उन्हें कि तुम भी कुछ कर सकते हो, कि तुम भी अपना जीवन में सक्सेस कर सकते हो। उन्होंने तुमको बार बार कहते हैं ना, देखो शर्मा जी का बेटा इतना नंबर लाया, पड़ोसी का बेटा इतना नंबर लाया, और तुम जहाँ के वहाँ, तुम एक गधा हो, ऐसे बोलते हैं ना तुम्हें। अरे छोड़ो ये सब, आज आप ठान लो कि मैं ऐसे करूँगा कि ये दुनिया देखते रहेगी, तो ये फ्री फायर जैसी ऑनलाइन गेम्स से खुद को बाहर निकालो और ये दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारा औकात क्या है। ये फ्री फायर गेम्स को अपना जिंदगी से बैन कर दो। तो आखिरी में ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी का 5 साल मेहनत करेंगे तो अगला 50 साल ऐस करने वाले हैं। अगर आप अभी का 5 साल ऐस करने वाले हैं तो आपका अगले 50 साल बहुत तकलीफ से गुजरने वाले हैं। तो फैसला आपको आज करना है कि आपको अभी का 5 साल ऐस करना है या फिर अगले 50 साल ऐस करना है। तो आज के लिए इतना। ऐसे ही एजुकेशन और मोटिवेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बने और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और इस कोरोना महामारी से बच के रहिए। अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।